नमस्कार आदाब, हमारे विशेष जन्नत में फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। किसी भी प्रकार के कामकाज से पहले कश्मीर में जारी हिंसा पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस ने राज्यसभा में एक बार फिर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कश्मीर में हालात बदतर हो गए हैं, ऐसे हालात तो 1990 में भी नहीं थे। आजाद ने यह भी कहा कि हम आतंक से निपटने के लिए सरकार के साथ हैं। राज्यसभा में कश्मीर हिंसा पर हुई बहस में पहली बार कश्मीर मसले पर बीजेपी और कांग्रेस कई मसलों में एकजुट नजर आए। हालांकि सियासी हमले जरूर एक दूसरे पर किए गए, लेकिन कश्मीर में आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाए, इस पर दोनों एकमत थे। राज्यसभा में हुई बहस पर केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बखूबी जवाब दिया। जेटली ने कहा, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन सवाल है यह कश्मीर में 11 दिन में कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है और 40 लोगों को अब तक जाने जा चुकी हैं, तो आखिर कब तक कश्मीर में लगी आग शांत होगी। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष जन्नत में फायर। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कश्मीर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। अराजकता के हालात में फंसा हुआ है कश्मीर। एक बार फिर आतंक और आतंकियों के बीच हालातों से जूझ रहा है कश्मीर। जी हां, जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कश्मीर में 11वें दिन भी कर्फ्यू जारी है और अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील कर चुकी हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कश्मीरियों से अपील कर चुके हैं कि वे सेना पर अपना भरोसा बनाए रखें। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उच्च स्तरीय बैठक कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हालात हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रहे। कश्मीर के हालात सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुके हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन राज्यसभा में कश्मीर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कश्मीर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन कश्मीर की आवाम के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वो गलत है। साथ ही आजाद ने कहा कि क्या वजह है कि 10 दिन के बाद भी कर्फ्यू जारी है, क्यों सरकार हालात पर काबू नहीं पा रही है। खत्म करने के लिए हम आपके साथ, लेकिन कश्मीर में आम जनता के साथ इस तरह का स्वभाव हो, सलूक हो, मुझे माफ कीजिए, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे आपके साथ। 26-27 साल से मैंने जैसे निवेदन किया कि गवर्नर रूल भी थे, एनसी का राज भी था, ये विश्वास था, भरोसा था कि मिलिटेंट को मारेगा, लेकिन आम जनता के साथ अगर अन्याय होगा तो उसको भी माफ नहीं करेगी। ये फर्क था सर, तब में और आज। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ऐसे मसलों पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। कश्मीर मामले को सियासी अमली जामा पहनाने से हमें ही रोकना होगा। ऐसे हालातों को खत्म करने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि कश्मीर में कब और कितना बल प्रयोग किया जाए, ये वहाँ के हालातों से जूझ रही फौज और पुलिस की जिम्मेदारी है। ये विषय केवल कांग्रेस और बीजेपी या हमारी भीतरी राजनीति का नहीं है। आज हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि एक आवाज में हम लोग बोले, वहां शांति आए, वहां आम आदमी को तकलीफ ना हो, वहां आम आदमी के खिलाफ पुलिस को, सुरक्षा फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़े, इसकी जरूरत ना हो। मानसून सत्र के पहले ही दिन कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नजर आई। हालांकि एक दूसरे पर सियासी हमलों से वे नहीं चुके। एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने
केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हर आरोप का बखूबी जवाब दिया। जेटली ने दो टूक कहा कि देश हित सर्वोपरि है, लेकिन सवाल ये है कि कश्मीर मामले पर जब पक्ष विपक्ष साथ है, संसद में कश्मीर के मुद्दे पर बहस भी चल रही है, तो फिर कश्मीर के हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्या आरोप प्रत्यारोप लगाने से वहां के हालात सुधर जाएंगे? क्या कश्मीरियों पर मिल रहे घावों को मरहम मिल पाएगा? अब तक 2 पुलिसकर्मी समेत 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 पुलिसकर्मी समेत 3200 लोग घायल हैं। तो क्या कश्मीर में सुलगती हिंसा की आग बुझ पाएगी? बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक सरकार हालातों पर काबू क्यों नहीं कर पाई है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, विधायक भी हैं, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, आरएन प्रसाद रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, और इस मनोविज्ञान को भी वो बेहतर ढंग से समझते हैं कि किस तरह से सेना काम करती है और कैसे पब्लिक की ओर से भी कई बार उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। शैलेन जी, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? यह है कि आतंकवाद कहीं भी हो, देश में विदेश में, उसकी हर जगह घोर निंदा होती है, और मानवता के लिए अगर सबसे बड़ा कलंक है तो वो आतंकवाद है, क्योंकि जान की कीमत से बढ़कर इस संसार में कोई और चीज होती नहीं है। और जहाँ भी आतंकवाद होता है उसका हर जगह, हर मंच से, हर माध्यम से विरोध किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कश्मीर में आतंकवाद लगातार इतने वर्षों से चल रहा है और उसके बाद में पिछले 2 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वहाँ पे नई सरकार को आए भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जो विश्वास पैदा होना था जनता का और सरकार के बीच में, उसका घोर अभाव वहाँ पे हुआ है। घाटी में 11 दिनों के बाद में भी आज वहाँ पे मोबाइल की सुविधाएं कट ऑफ हैं, पेपर नहीं हैं, घर गृहस्थी में रोज़मर्रा के सामान नहीं पहुँच पा रहे। प्रश्न ये उठता है कि वहाँ के आवाम में और जो वहाँ पे सेना और पुलिस बल तैनात है उसके बीच में टकराव क्यों हो रहा है, अविश्वास पैदा क्यों हुआ है। आज मैंने शाम को राजनाथ सिंह जी का जो राज्यसभा में बयान दिया उसको बड़े गौर से सुना। उन्होंने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक कड़क कदम उठाने की बात है, क्योंकि जब हम सत्ता के जब उस और होते हैं, विपक्ष की ओर होते हैं, तो हम सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तो वही बात दोहराते हैं जो पहले कही जाती है। और ये अंतर अब दिखना चाहिए कि हम कैसे आतंकवाद को रोकेंगे। डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं सरकार के और आवाम के बीच में। सबसे पहले तो एक संवाद की स्थिति वहां निर्मित होना चाहिए, और जो अविश्वास वहां पे पैदा हुआ है उस अविश्वास को खत्म करने के लिए जो भी मुनासिब कदम है उसे वहां की सरकार को और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, ना कि अरुण जेटली ने कहा कि वहां तो पुलिस का काम है। पुलिस का ही काम नहीं है, ये सरकार का भी काम है। पुलिस भी सरकार के अधीन आती है, और राज्य सरकार के अंदर वो हो रहा है तो केंद्र की भी उतनी ही जवाबदारी होती है जब वो आतंकवाद की बात आती है। बिल्कुल, हमारे साथ मोहन यादव जी भी जुड़ गए। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप कश्मीर में जिस तरह से 10 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर का असर पूरे देश में है, एक अजीब तरह का तनाव है, भोपाल में भी आज एक तनाव देखने को मिला, और छात्रों के बीच में जिस तरह से शर्मनाक स्थिति में मारपीट हुई और सारी चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी करती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर के हालात से पूरा देश चिंतित है, और हम सबको इस बात के लिए भी लगातार अब विचार भी करना पड़ रहा है कि कश्मीर के लिए पूरे देश ने क्या नहीं किया। कश्मीर पे जब जब भी बात आई है पूरा देश एक साथ कश्मीर के साथ खड़ा दिखाई दिया है। हर सरकार ने कश्मीर के लिए काम किया है, लेकिन क्या कारण है कि कश्मीर के लोगों का दिल नहीं भरता? ये भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि पूरे कश्मीर के सब लोग एक तरफा एक साइड में है, लेकिन तथाकथित जो पीछे से घुसपैठ होने के बाद जो हालात बिगाड़ने में लोग हावी हैं, कमोबेश उसके आगे पीछे तमाम लोग कठपुतली क्यों बन जाते हैं? इससे बचने की आवश्यकता भी है। जो सही बात है उसको दल खोलकर सबके सामने बोलने की ज़रूरत भी है, और मैं समझता हूँ कुछ कुछ उसके चित्र दिखे भी हैं जो अगर ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अंततः पाकिस्तान के जो रवैये में जो हमने सब प्रकार के प्रयास कर लिए,
लेकिन अब जो माहौल बना है कि हर बात को लेकर के जिस ढंग से घड़ियाल आंसू बहाने वाला कश्मीर का मुद्दा लेकर के पाकिस्तान ने जो वर्तमान में अपना सही स्वरूप दिखाया है वो सारी बात की कहानी पूरी कर देता है। अब निर्णायक कितनी बार कश्मीर का माफ कीजिएगा पाकिस्तान का हम ये रूप देखेंगे, हर बार उसके घड़ियाली आंसुओं की बात करेंगे, हम कितनी बार धोखा खाएंगे, फिर हम धोखा खा गए तो ये ऐसा हम बार बार धोखा खाने का हम अवसर देते हैं क्यों कि वो धोखा दे सके। ये आपने सही कहा है कि लेकिन ये जो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको हम अपनी सीमाओं के बाहर के दायरे से भी देखते हैं, कुछ पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, ये भी एक तरह बिल्कुल आपके सबके सामने ही है जो घटनाक्रम से हम लेके चले हैं जी। और हमने सबने भी कोशिश की है कि ये कहीं हम पे आरोप न लगे कि हम एक तरफा चल रहे हैं, ये दोनों परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में भी है और पड़ोसियों के साथ हमारे व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में भी है। अब हमने सबने देखा कि जिस आतंकवाद को 20 साल से जब हम झेल रहे थे दुनिया हमको कहती ये आपकी आंतरिक समस्या है, लेकिन अब जब दुनिया पे बीत रही तब उनको समझ में आया कि वाकई कष्टों क्या है और बिल्कुल क्या है। आपके पास एक बार मैं फिर लौटूंगा प्रसाद साहब, आप तो सेना के काम करने के तरीके को भी जानते हैं, आम जन के मनोविज्ञान को भी जानते हैं और आपने अपने एक युवा पुत्र को जो सैन्य अधिकारी थे उनको भी खोया है, तो इन सारी चीजों को सेना के प्रति जो कश्मीर में खास तौर से पत्थरबाजियां होती हैं और ढेर सारे युवा यहाँ तक कि कुछ छोटे बच्चे भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ की मौत भी हो गई है, कुछ की आंखें खराब हो गई हैं, ये इस तरह का ये जो बल प्रयोग हो रहा है इसको लेकर विरोध और कर्फ्यू और एक अविश्वास बहुत गहरा होता जा रहा है, तो ये कैसे कौन सा मनोविज्ञान काम करेगा, कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है और क्या आपको क्या लगता है कि ये जो तरीके हैं क्या इससे ही कोई बेहतर उपाय निकल सकते हैं या तरीके कुछ और अपनाने पड़ेंगे? देखिए जो तरीके हम अपना रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो तरीके पेन किलर से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जब कोई बीमार होता है तकलीफ में होता है तो डॉक्टर पेन किलर देता है, माइल्ड देता है, मीडियम लेवल का देता है, स्ट्रांग लेवल का देता है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, ये सब पेन किलर का ही काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये बीमारी इतना गहरी है, इतना जड़ जमा चुकी है कि पेन किलर जितनी देर काम कर सकता है करता है, थोड़ी देर के लिए शांति स्थापित हो जाती है लेकिन फिर वो उभर करके आ जाता है। इस बीमारी को जब तक हम जड़ से नेस्त नाबूद नहीं करेंगे तब तक ये न खत्म होने वाली प्रक्रिया अनवरत चलती ही रहेगी चाहे हम कुछ भी कर लें। जहां तक आपने बात किया, मेरा पुत्र कारगिल में शहीद हो गया, मुझसे बात करते थे वो वहां से, तो उन्होंने श्रीलंका में भी लड़ाई देखी थी, मिजोरम में भी थे, यही बात करते थे कि बाबूजी आप चिंता न करें, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बड़े शरीफ हैं, ये बाहर के लोग हैं जो कि ये प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि स्थानीय लोग का व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा है और हम लोग इतने प्रसन्न हैं उनके व्यवहार से। बात वो तो खत्म हो गई कि हम कारगिल पर विजय प्राप्त कर लिए और ये 26 जुलाई आने वाला है, हम हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और अपनी उपलब्धि पर गर्व भी करते हैं, लेकिन इस उपलब्धि पर क्या गर्व करें कि हमने शांति स्थापित की, कारगिल युद्ध में हम विजयी हुए, लेकिन हम विजय दिवस मनाते तो हैं, क्या सही अर्थ में वो विजय हुई है? जिस तरह से कश्मीर में रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं, एक व्यक्ति जो मारा गया है अभी वो आतंकवादी था, ये निर्विवाद है, लेकिन वो इतना महिमा मंडित हो जाएगा, उसकी इतनी वजह से पूरा कश्मीर उद्वेलित हो जाएगा, यह कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, हो रहा है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, ऐसी चिंगारियां हैं जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया या जिसका अनुमान सही नहीं लगा पाए? एग्जैक्टली, अनुमान में गलती हुई है। यह व्यक्ति संयोग से स्थानीय है, बाहर का व्यक्ति नहीं है,
वो हमारा अपना व्यक्ति है, इस देश का व्यक्ति है और वह मारा गया है। अब ये बात सही है कि मुठभेड़ में मारा गया है। आपको मैं बताऊं, उसके मुठभेड़ के बाद जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, कई जगह हिंसा भी हुई, सेना पर पत्थर भी फेंके गए और सेना की ओर से बल प्रयोग जो किया गया उसी को ये कहा जाता है कि अधिक बल प्रयोग किया गया। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लौटकर एक बार फिर आऊंगा आपके पास। रमेश शर्मा जी, एक गुलाम नबी आज़ाद ने जो चर्चा छेड़ी राज्यसभा में, उसका सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया, कई मामलों में एक राय थे पक्ष और विपक्ष दोनों, लेकिन मीडिया के कामकाज और ख़ास तौर से चैनलों के, खबर वाले चैनलों के, जो शाम होते ही कई तरह के, जैसे आज हम भी चर्चा कर रहे हैं, हम रोज चर्चा करते हैं, इस चर्चा में कुछ ऐसे लोगों को बुलाए जाने पर, किसी एक धर्म विशेष के पर हमला करने वाले ऐसे लोगों को और कुछ चैनलों में इस तरह से बुलाए जाने पर, कुछ ऐसे लोग जो अपने अपने देशों से निर्वासित हैं, वहाँ से निष्कासित हैं, निकाल दिए गए हैं, उन सब लोगों की को भी उन चैनलों में बैठा कर उनकी बातों को बहुत अधिक करके, इस तरह की बातों पर भी आज उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। इन चर्चाओं से पूरे देश में एक माहौल ख़राब होता है, उनका यह भी आरोप था। और आज भोपाल में भी एक घटना हुई है, कश्मीरी युवक पर हमला हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की चर्चाओं पर भी बहुत संयम होना चाहिए और उस पर भी कहीं ना कहीं निगरानी होनी चाहिए? बात आप रिजवान भाई ठीक कह रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से कश्मीर में जो व्यक्ति मारा गया उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था और वो घोषित आतंकवादी था और मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद जो वहाँ पर प्रतिक्रिया हुई और सेना ने एक्शन लिया है, मेरी दृष्टि में सेना ने ठीक एक्शन लिया है। तो ठीक है कि गोलियाँ जब चलती हैं तो उसमें कुछ लोग सड़क चलते लोग भी उसमें शिकार हो जाते हैं, एक ये बात अपनी जगह। लेकिन वाकई आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद कुछ लोग हैं इस देश में जो मीडिया का भी हिस्सा है, जो NGOs का भी हिस्सा हैं और जो सोशल वर्कर का मुखौटा भी लगाए हुए हैं, वो इस तरह की घटनाओं को ऐसा प्रचारित करते हैं जैसे कोई दो धर्मों का मामला है या दो जातियों का मामला है, दो सांप्रदायों का मामला है, दो देशों का मामला है, दो देशों का मामला है, इस तरीके से प्रचारित करते हैं। ये जो बानी मारा गया है ये पाकिस्तान का आदमी नहीं था, वो हिंदुस्तान का आदमी था। उसके बावजूद भी मुझे बहुत ताज्जुब हुआ राजनाथ सिंह के और अरुण जेटली जी के इस बयान पर कि वो उसको पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। भाई अगर पाकिस्तान का नागरिक होता तो आप पाकिस्तान को चेतावनी देते, आपके देश का नागरिक है। और कांग्रेस इस समय उसने साफ दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के मामले में हम आपके साथ हैं। जब विपक्ष आपके साथ है तब आपको संकोच क्यों हो रहा है? आपको ढूंढ करके आतंकवादियों को ये मौका था, इसको आपको ठीक कर देना था। आप ये देखें कि जब से आज़ादी आई है तब से लेकर के आज तक कश्मीर को लेकर के केंद्र में जो भी सरकार आई है वो एक प्रकार से ढुलमुल तरीके से ही निर्णय लेती रही है। वो सरकार मौजूदा सरकार हो, वो अटल जी की सरकार रही हो, वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, वो नेहरू जी की सरकार हो, वो राजीव जी की सरकार हो, किसी भी सरकार ने कश्मीर के मामले में दो टूक फैसला आज तक नहीं लिया। कई बार हैरत इस बात की भी होती है, कश्मीर का जब विलय हुआ था विलय के वक्त कोई स्पेशल कंडीशन उसमें अप्लाई नहीं थी। जिस तरीके से दूसरी रियासतों का विलय हुआ था उन्हीं सेवा शर्तों के आधार पर कश्मीर का भी विलय हुआ, लेकिन बावजूद उसके कुछ दिनों बाद उनको कश्मीर को एक अलग से दर्जा दे दिया गया। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, इस पर फिर किसी दिन और लंबी चर्चा करेंगे, इसलिए वक्त की कमी है। लेकिन आज अगर हम आज के दौर की बात करें, आज का माहौल की बात करें, जो आम जनता, आम कश्मीरी और सेना के बीच में जिस तरह का तनाव है उसको लेकर भी चिंता होती है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्यों हम भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं उन लोगों को, या हम इस तरह की चीज़ों को हम काबू क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह यह है कि जो भी देशद्रोही लोग हैं, जो प्रायोजित तरीके से आतंकवाद फैलाते हैं, वो एक खास किस्म की छतरी का ओढ़ने का कोशिश करते हैं। और उनको मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, यद्यपि उनकी संख्या अब 2-4% ही होगी, वो 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन वो बाकायदा ये कोशिश करते हैं उन आतंकवादियों को कहीं किसी खास कैंप में छुपाने की। और इसी तरीके से जो दूसरे लोग भी हमला करते हैं आतंकवाद के नाम पर, मैं समझता हूँ आतंकवाद के नाम पर किसी विचार को, किसी सांप्रदाय को दोषी ठहराना या किसी सांप्रदाय के आधार पर आतंकवाद को छिपने का अवसर देना, ये दोनों दोनों चीजें बहुत घातक है और बहुत चिंताजनक। बिल्कुल शैलेंद्र पटेला,
आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि 1990 से भी बदतर हालात हो गए हैं और आपकी सरकार है, आपके पास सारे अवसर हैं, आप लोगों पर भरोसा उनका कायम नहीं रख पाए हैं, आप उन पर उनको ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों को जो निर्वासित हैं अलग अलग देशों से, उनको सबको यहाँ सब कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है, ख़ास तौर से चैनलों में भी बैठा कर बहुत तरह की उनसे बातें उनसे कराई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारे इल्ज़ाम सरकार पर लगते हैं। कैसे आप इन सारी चीज़ों को, और ख़ास तौर से वहाँ जो स्थानीय लोगों का जो रवैया है वो सेना के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गए हैं, कई तरह से पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकने वालों, यहाँ तक भी कहा गया कि पत्थर फेंकने वालों को तनख्वाह भी दी जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो आज़ाद साहब ने आज राज्यसभा में कहा कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर है, इसमें कोई दो राय कहीं भी नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से सरकार से कहा कि हम आतंकवाद के विरोध में सरकार के साथ हैं, और सदन ये माध्यम होता है जहां पर सत्ता पक्ष की कमियों को बताया जाए कि आपने क्या क्या कमियां रखी, और अल्टीमेटली सरकार को ही इस पर निर्णय लेकर फैसला करना पड़ता है और कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जो सरकार होती है उसी के हाथ में सारा पावर रहता है कि वो क्या कदम उठाती है, और निश्चित रूप से वहां पर क्यों हो रहा है इसके बारे में गहन अध्ययन की आवश्यकता है। जब तक हम वहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे कि पिछले एक डेढ़ दो सालों में वहाँ हुआ क्या है, एक जो सबसे बड़ी समस्या आज कश्मीर में निकल कर आ रही है वो वहाँ पे बेरोजगारी की भी समस्या निकल कर आ रही है, वहाँ पे एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी भी समस्या वहाँ पर निकल कर आ रही है, वहाँ पे युवाओं के माइंड को कहीं और डाइवर्ट करने की भी समस्या निकल कर आ रही है। इन सभी समस्याओं को, कि मैं वहाँ का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ लेकिन जो पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से पता चलता है उससे यही लगता है कि हम वहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके साथ एक संवाद और बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम देश के लिए करना चाहते हैं वो वहाँ हो नहीं रहा है। ऊपर से बात ये रही है कि जब कांग्रेस की सरकार 10 साल से केंद्र में थी तो कई बार गंभीर आरोप आतंकवाद के और पाकिस्तान को लेकर हुए हैं, लेकिन वही सरकार जब खुद बनती है और जबकि राज्य में भी उनके सहयोग से सरकार चल रही है वो भी नाकाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी ये बात आती है कि पहले आप क्या कहते थे और अब क्या कर रहे हैं। मोहन यादव जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे भी जाऊँगा, वक्त की कमी है, क्या आपको क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई है? देखिए, ये बात सही है कि कश्मीर को लेकर समग्र रूप से हमको पुनर्विचार की आवश्यकता है, और मेरा ऐसा जहां तक मेरी जानकारी में है कि बीच में जो कुछ समय पहले एक प्रस्ताव आया था कि हम जम्मू, लद्दाख और घाटी, ये तीनों को अलग अलग ही तरीके से देख करते हुए, जैसे हमारी सेवन सिस्टर पूर्वांचल में है, आगे पीछे हमको इन तीन राज्यों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और इस तीन राज्यों की तरफ बढ़ते हुए जब मूल रूप से हम नीचे तक अपनी पकड़ बना पाएंगे तो निश्चित रूप से हम नीचे की आबादी की धड़कन के साथ भी काम करेंगे और प्रशासन की तैयारी के साथ भी काम करेंगे। हम ये मान के चलते कि कश्मीर की घाटी में हुई गड़बड़ी की हम आज अगर जम्मू में भी महसूस करते हैं, और लद्दाख ले उन पर जो हिस्सा बौद्धों का है वहां भी ये कष्ट महसूस करते हैं, तो ये जो विसंगतियों का एक त्रिकोण जो बना हुआ है इससे समूचे रूप से निपटने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमको हम इस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। प्रसाद साहब, मेरा आपसे जो सवाल था उस पर जल्दी से आपको संक्षिप्त में। देखिए, कि कहां पर ये प्रॉब्लम है, हम हमेशा सरफेस पर ही अटैक कर रहे हैं, सख्त से सख्त कदम उठाना आसान है लेकिन हम उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ सोचना होगा, और सोचने पर हम अपना व्यक्तिगत हमारी जो धारणा बनी है वो ये है कि एक नफरत पैदा हो गई है, और नफरत जब पैदा हो नफरत के साथ अविश्वास, आप शायद अविश्वास वही नफरत और अविश्वास दोनों एक ही चीज है, अविश्वास से नफरत हो जाती है, तो अविश्वास पैदा हो गया है, नफरत पैदा हो गई है, और जब नफरत पैदा हो गई है तो नफरत मल्टीप्लाई होती जा रही है, एक घटना हुई उसका अधिक से अधिक आकलन करके और अधिक मल्टीप्लाई हो रहा है। हम नफरत को जब तक नहीं मिटाएंगे, मतलब आप कह रहे हैं विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए, नफरत कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जाहिर सी बात है ये सेनस के माध्यम से तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तो, नहीं होगा, ये तो कोई राजनीतिक प्रयास होने चाहिए, लेकिन अब पब्लिक से राजनीतिज्ञों का कितना कनेक्ट है, किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, देखिए ये एक बार
मैं, एक बड़ी बात, मैं इसीलिए कहा कि सेना पुलिस जो है ये पेन किलर से ज्यादा नहीं उसको समझ। रमेश शर्मा जी आप क्या कहेंगे कि कैसे इस इन चीजों से, क्या बड़े पैमाने पर ये इसी तरह से बल प्रयोग करने से होगा या एक नए सिरे से विश्वास जताने की भी दिलाने की भी कोशिश की? रिजवान भाई, आपको टू टायर अभियान चलाना पड़ेगा। एक तो सामाजिक स्तर पर आपको विश्वास खड़ा करना पड़ेगा और दूसरा सैन्य की तरफ से आपको दबाव बना पड़ेगा। भय उत्प्रीत का जो है, आप जब समानांतर एक अभियान चलाएंगे तो ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, शैलेन पटेल आप हमारे साथ जुड़े, मोहन यादव आप हमारे साथ जुड़े और आरएन प्रसाद आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि कश्मीर पर हम बार बार बात करते हैं और पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश करता है, हमारे अपने ही घर में इस तरह का तनाव है, कभी हम विश्वास हासिल करने की बात करते हैं और कभी नफरत के बुझे तीर भी चलते हैं। इन सब के बीच आज पक्ष और विपक्ष ने यह जरूर माना है कि कश्मीर समस्या को निपटना चाहिए, मिलकर निपटना चाहिए और बहुत हद तक वो एक राय भी दिखे, एक राय हो और ये मैदान में भी दिखे और कश्मीर के लोगों को भी भरोसा दिलाया जाए। कश्मीर के नाम पर पूरे देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है ये भी चिंता की बात है और कहीं ना कहीं हम मीडिया की भी जो भूमिका है उस पर भी जो सवाल उठते हैं उसे हमें भी आत्मावलोकन करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।